हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंडियन फूड में आपका स्वागत है। आज का हमारा रेसिपी है आलू के पकौड़े। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आलू के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप बेसन ले रखा है, ये मैंने पानी ले रखा है बेसन में ऐड करने के लिए, ये मैंने दो मिर्च काट रखी है छोटे साइज में, ये लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, ये मैंने तीन आलू ले रखे हैं बड़े साइज के, और ये कटा हुआ हरा धनिया जो मैंने वॉश करके रख लिया, और मैंने एक छोटा चम्मच नमक ले रखा है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं बेसन का पेस्ट बना लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ा 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 करके पानी ऐड करूँगी और बेसन को अच्छे से फेंट लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेसन का पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें कटा हुआ मिर्च ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी, धनिया मुझे पसंद है इसलिए मैं धनिया थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी, और इसे मैं अच्छे से दोबारा फेंट लूँगी। इसे कम से कम फ्रेंड्स मैं 10 मिनट तक चलाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से चला लिया है। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक फ्रेंड्स, मैं आलू को छीलकर इसके स्लाइस काट कर रख लूंगी। चलिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा बेसन का पेस्ट ऐसा होना चाहिए। ये मैंने आलू काट कर, ये मैंने आलू के स्लाइसेस काट कर रख लिए हैं, और मैंने फ्रेंड्स पहले से ही कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है ऑयल डालकर। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो हम फ्रेंड्स पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। ये हम आलू को एक एक कर इसमें डीप करेंगे, बेसन में डालेंगे और इसे चम्मच की मदद से हम पकौड़े बनाएंगे। चम्मच की मदद से हम आलू को तेल में डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम आलू ऐड करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, ना तेज करेंगे ना ज़्यादा तेज करेंगे, नहीं तो हमारा ऊपर से बेसन जल जाएगा और अंदर से आलू कच्ची रह जाएगी। इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे फ्रेंड्स। जब हमारा एक तरफ थोड़ा आलू सीख जाए, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ पलट कर आलू को सेकेंगे, और मीडियम फ्लेम पर रखकर हम इसे पलट पलट कर आलू को पकाएंगे, पकौड़े को रेड होने तक सेकते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े रेड हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू का पकौड़ा बनकर तैयार है। इसे हम हरी धनिया की चटनी के साथ, टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स।
इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट ज़रूर करें मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।